wonderful, sexy, good afternoon to all YouTube. This is Shivam Mahajan and welcome back to my channel Shivam Mahajan Vlogs. और आज आप सबके सामने मैं एक ऐसी चीज की अनबॉक्सिंग करूंगा जो कि मुझे आज 10 दिनों के बाद वाया कोरियर से मिली है, वाया इंटरनेट से मैंने मंगाया। इस कोरियर में एक ऐसी चीज है जो कि हर व्लॉगर के लिए बहुत खास होती है। अगर आप कोई भी व्लॉगिंग चैनल शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक माइक चाहिए होता है और एक ये चीज चाहिए होती है। जैसा कि आप सभी लोग मेरा थंबनेल देख ही चुके हो तो आप सबको पता है इसके अंदर क्या है। सो गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग अभी आपके सामने करूंगा, बताऊंगा मैंने इसको कितने में लिया और कहां से लिया और क्या क्या इसके फीचर है और कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में ऐसा ट्राइपॉड लेने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा गाइस। चाहे आप दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, लुधियाना में चले जाओ, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ, मैंने मार्केट में बहुत घूमा लेकिन मुझे ऐसा ट्राइपॉड नहीं मिला। अगर आपको लुधियाना में जाते हो तो मार्केट विजिट करते हो, आपको या तो 10 इंच वाला ट्राइपॉड मिलेगा या 6 इंच वाला मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच वाला मिलेगा, जो कि आप किसी काम का नहीं होगा और ना इतना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद मुझे सर्च करने से पता लगा कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इस ट्राइपॉड को खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो और उसका जो प्राइस है वो आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। बिना किसी देर के अनबॉक्सिंग करते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड की आप सबके सामने। अनबॉक्सिंग के बाद हमारे पास जो चीज पहुंची है वो है ये 13 इंचेस का गोरिल्ला ट्राइपॉड। यस गाइस, सो फाइनली हमारा ऑर्डर जिसके लिए मैंने 10 दिन वेट की थी तो वो ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड, जिससे आप कोई भी ब्लॉगिंग सेटअप या कुछ भी है वो कर सकते हैं। एक्चुअल में मेरा इसको मंगवाने का रीज़न ये था क्योंकि आजकल जो ब्लॉगिंग होती है ज़्यादातर लोग अपने हाथ में पकड़ करते हैं तो मोबाइल वगैरह सेफ नहीं होता। आप इसमें चाहे अपना मोबाइल लगा सकते हो, चाहे इसमें आप अपना जो कैमरा DSLR है वो भी इसमें टाइप कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर जो पिन होती है ये 3.5mm की होती है जिसमें आप अपना जो ऊपर फ़ोन का होल्डर होता है वो भी लगा सकते हो और DSLR भी लगा सकते हो। गोरिल्ला ट्राइपॉड के कई और भी फायदे हैं। वैसे तो अगर हाथ में पकड़ कर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। जो इसकी मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है, अगर आप मार्केट में लोगे तो वो साइज़ में भी छोटे होते हैं और इनका जो राउंड सर्कल होता है वो भी बहुत पतला होता है, तो मतलब आप पूरा स्टैंड पकड़ सकते हो हाथ में। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी थिक है तो आप इसके जस्ट दो स्टैंड पकड़ कर ही बड़ी आसानी से ऐसे ब्लॉगिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसके दो स्टैंड पकड़ कर भी आप सिर्फ जस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो। और इसका जो वेट है, वेट भी काफ़ी अच्छा है, आई थिंक ये 400 ग्राम के आसपास वेट है इसका। और इसकी खासियत ये है कि किसी भी पोजीशन में रोटेट हो जाता है। यस गाइस, ये फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, अगर आप कोई भी ट्राइपॉड लोगे तो सिर्फ वो बस ये वाली फॉर्मेशन बना सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इसके जो राउंड है ये भी मुड़ जाते हैं, आप देख सकते हो। ये किसी भी फोन में अगर आप इसको चाहो, कहीं से भी चाहो तो आप इसको मोड़ सकते हो, इसको कर सकते हो ऐसे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये किसी भी फॉर्म में मुड़ सकता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, दोबारा फिर से उसको ऐसे कर सकते हो, या फिर से अगर आपको नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको सीधा कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है गाइस, आप इसको ज़रूर लीजिए। जिन्होंने व्लॉगिंग करनी है, अपना चैनल शुरू करना है, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो इसको ज़रूर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये ट्राइपॉड है ये मैंने fo2.in से मंगवाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब भी आप ये ट्राइपॉड लोगे आपको इसके साथ दो चीज़ें चाहिए होंगी, वैसे एक चीज़ से भी काम चल जाएगा। जो फर्स्ट चीज़ है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक मोबाइल होल्डर जिसमें आप अपना मोबाइल लगाओगे। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल होल्डर है, ये अलग से आता है। अगर आप इसको ऑनलाइन लोगे तो ये आपको कम से कम 200 के आसपास पड़ जाएगा। और इसके साथ जो अलग चीज़ लेनी पड़ती है वो है ये 360 रोटेटर, जिससे आप अपने जो कैमरा एंगल है उसको 360 रोटेट कर पाओगे, जैसे कि आप लोग नहीं चाहते हो उसको रोटेट कर पाओगे। तो जो ये है ये 300 का पार्ट है और ये टोटल आपको बाजार से 450 के आसपास ये दोनों जो पार्ट हैं दोनों बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ये आपको अलग से लेने पड़ेंगे। अगर आप fo2.in से बाय करते हो तो आपको मोबाइल होल्डर की ऑप्शन मिलेगी साथ में लेने के लिए, लेकिन वो मोबाइल होल्डर इतना अच्छा नहीं होगा, वो
इतना अच्छा मोबाइल ऑर्डर नहीं होता, तो मैं आपको ये सजेस्ट भी आपको मैं इसको असेंबल करके बताऊंगा कि ये कैसे असेंबल होता है, कैसे हम इसके ऊपर मोबाइल लगा के अपनी जो ब्लॉगिंग है, अगर आप इसको एज ए ब्लॉगिंग यूज़ करना चाहते हो ब्लॉगिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर एज ए स्टैंड अगर कहीं आपके पास टेबल है कुछ नीचे पड़ा है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टैंड के तौर पर। तो सबसे पहले इसके ऊपर आता है 360 माउंट क्लिप, जो कि 360 रोटेट करता है। अगर आपने कोई मोबाइल वगैरह अपना कुछ भी ऊपर डिस्प्ले रखना है तो इसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। तो इसके ऊपर जो ये माउंट आप देख सकते हो, ये 3.5 mm का होता है, और जो इसके नीचे जो सर्कल होता है वो भी 3.5 mm का होता है। अगर आपके पास DSLR है तो उसका 4 mm का जैक होता है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, इसके ऊपर वो टाई हो जाता है, फिर उसके ऊपर आप DSLR लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको 360 रोटेटर ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये 3.5 mm का इसका सर्कल होता है, और इसका जो माउंट है जो आप रिपट देख रहे हो, ये 3.5 mm का होता है। तो जैसे कि आप सबको मैं इसके ऊपर लगा के बताऊँगा इसको, तो जैसे कि ये इसके ऊपर लग गया, अब जो हमारा फ़ोन है वो 360 रोटेट हो पाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर जो दूसरा इक्विपमेंट है वो है मोबाइल होल्डर, जिसमें जो हमारा मोबाइल है वो अटैच होगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको ऐसे लगाना है कैसे लगाना है, लेकिन जो ब्लॉगिंग सेटअप होता है उसमें जो मोबाइल है वो उसको हम आमतौर पर हम दूसरी एंगल पर लगाते हैं, जैसे लगा के बताता हूँ। देखो ये है इसका फाइनल सेटअप जो कि आप सबकी आँखों के सामने है। तो गाइस ये कुछ ऐसा लगता है जब आप इसमें मोबाइल लगा दोगे, तो फिर आपको बताता हूँ कि मोबाइल लगाने के बाद ये कैसा होता है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ तैयार हो जाएगी, फिर आप इसे देख सकते हो, आप इससे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। अगर आप इसको स्टैंड के तौर पे यूज़ करना चाहते हो तो जस्ट आप इसको ऐसे रख के स्टैंड के तौर पर वीडियो बना सकते हो। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो आप इसको जस्ट बंद कीजिए और अपने हाथ में पकड़िए, और जो आपकी ब्लॉगिंग है वो ऐसे शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी किफ़ायती चीज़ है। अगर आप ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना चाहते हो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तो आप इसे ऐसे पकड़ के अपना जो भी ब्लॉगिंग है वो शुरू कर सकते हो। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब ये खरीदिए। अगर आपने कोई ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना है, अगर आपको मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत है, तो आप इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं इसका प्राइस बताऊँगा। तो गाइस अगर आपने इसको ऑनलाइन बाय करना है जहाँ से मैंने ख़रीदा है, तो उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। ये आपको 600 रुपये से लेके 800 रुपये तक बीच में मिल जाएगा। आप इसकी साइट में जाकर विजिट कर लीजिए और देख लीजिए, इसका जो प्राइस है वो सीजन टू सीजन फ्लक्चुएट होता रहता है, और कई बार स्टॉक भी अवेलेबल नहीं होता। तो गाइस ये था 13 इंचेस गोरिल्ला ट्राइपॉड फॉर ब्लॉगिंग सेटअप। अगर आप चाहते हो इसको खरीदना तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पर क्लिक कीजिए और ख़रीदिए खुद का अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड। है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें शिवम महाजन ब्लॉग्स को, ताकि आप ऐसी वीडियोस रोजाना देख पाए। टिल देन नॉट डिप्रेस, गो सक्सेस, ये बाय।